गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और सेफ होंगे। तो बात है 9 सितंबर की, जब रात को लगभग 10:30 बजे मुझे मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आया कि उसने हनुमान चौक में एक बैल को देखा है जिसकी एक साइड की स्किन पूरी निकली हुई थी और उसको बहुत ज़्यादा गहरे घाव थे और उसका बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। तो तभी हम सभी जो हमारी टीम है उसने डिस्कस किया कि हम इसको अभी देख के आएंगे और अगर हमसे इस टाइम कुछ ट्रीटमेंट हो पाएगा तो हम अभी कुछ ना कुछ करने की ट्राई करेंगे। तो फिर रात को लगभग 11 बजे के पास हम सब हनुमान चौक पहुँचे। फिर हमने देखा हो तो उसकी थोड़ी ज़्यादा ही बुरी हालत थी, मतलब उसकी स्किन बहुत ज़्यादा निकली पड़ी थी और वो उसमें एनर्जी नहीं बची थी और उसकी पूंछ में भी बहुत ज़्यादा लगी थी, जैसे किसी व्हीकल का टायर चढ़ गया होता है ऊपर। हमारी टीम में एक मेंबर हैं जो कि वेटनरी फार्मासिस्ट का कोर्स कर रहे हैं, उन्होंने अपने सर से कंसल्ट किया और उन्होंने हमें बताया कि इस वक्त इसको आप NS से इसको अच्छे से क्लीन करो और उसके बाद लास्ट में इसको बीटाडीन लगा के छोड़ देना जिससे इसका इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। तो हमने भी वैसा वैसा ही किया जैसे उन्होंने बताया था। हमने पहले NS से धोया इसको अच्छे से, फिर लास्ट में बीटाडीन लगा के छोड़ दिया ताकि इन्फेक्शन इसमें स्प्रेड ना करे। इधर से भी पकड़ा है और इसको इधर से भी पकड़ा है, बड़ी मेहनत लगी। सैंड भी आ गई, ये रस्सी भी बांधी। टाइम हो रहा है हेलो गाइस। तो आपने देखा कैसे हमने इसका ट्रीटमेंट किया अच्छा सा और ये अच्छा सा, आई होप ये अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। ये क्या कर रहा है ऐसे ऐसे? यो हनी सिंह फैन है मान लीजिए। फोन आई विशु इसकी वजह से हुआ आज ये काम, क्योंकि ये है वेटनरी फार्मासिस्ट। ये प्रोसेस हमने लगातार 4 दिन कंटिन्यू किया, जैसे 9, 10, 11, 12, ये 4 दिन हमने सेम ट्रीटमेंट दी उसको। अरे इसका बहुत बुरा हाल हो गया था, उठा नहीं था उसने तो ये पड़ा रहा ऐसे। इसको मार के कौन गया है? पता नहीं, टिप्पर वाला कोई मार के भाग गया साला, मिला भी। बड़े बड़े धन्यवाद, ठीक है भैया।
कोई भी जानवर दिखे ना आपने फोन कर देना। जब हमने 12 को उसको ये सेम ट्रीटमेंट दिया तो हमने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा रिकवर कर गया था, मतलब उसके सारे घाव भर चुके थे और पस भी नहीं पड़ रही थी, तो अब कोई भी कीड़े पड़ने का डर नहीं था। तो हमने उधर फिर जो लोकल शॉपकीपर है उनको अपना नंबर दे दिया कि अब इसको कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें कॉल कर सकते हो। आपको भी यही कहूँगा कि आपको भी ऐसे कोई अपने आस पास कोई जानवर या कोई पशु दिखे तो आप भी हमें कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएंगे। आप इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, आप फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी ऐसा जानवर दिखे तो आप ज़रूर हमें कॉल करना या मैसेज करना, हम जल्दी से जल्दी उसको ट्रीटमेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे। एक दो लोकल अंकल थे जिन्होंने हमें हमारी रोज़ इसको हैंडल करने में हेल्प की, उन्होंने बताया इसको थोड़ा टाइम पहले कोई टिपर वाला पुल के ऊपर टक्कर मार गया था। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा ध्यान से चलो, ये आजकल सड़कों पे हैं वो भी हमारी वजह से ही हैं। ये तो चलो देरा की लोकल बात है तो लोगों ने देख लिया, मेरी फ्रेंड का मेरे को मैसेज आ गया। अगर कहीं ये दूर हुआ होता तो कोई नहीं देखता है, बस इसको उधर ही कीड़े पड़ने थे और इसने उधर ही मर जाना था। तो ऐसा थोड़ा ध्यान से चलो, और अगर आपको कोई दिखता है ऐसा जानवर तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करो। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो फिर जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, हंसते खेलते रहिए।